गुरु जी, मेरा नाम मनीष संगावत है, मैं जोधपुर से हूँ। मेरे को 2007 से गुरु जी ये मालूम चला है कि मेरे को तकलीफ है। मेरे पापा मम्मी ने काफ़ी इलाज करा है, और अभी पिछले साल मम्मी की डेथ हो गई, 8 महीने हुए कोरोना में, और पापा को कैंसर हो गया प्रोस्टेट, इन भैया को भी कैंसर हो गया था। और फिर 10 साल से मीरा दादर का जो नॉर्थ गुजरात में यहाँ से इलाज करा रहे, कोई आज तक इंसान तो मेरे को ठीक ही नहीं कर पाया, जो ठीक करता है वो बीमार हो जाता है। उसको बोलो मुझे बीमार करो। तो मेरे पापा फिर जहाँ लास्ट में जिन मौला जो थे, जो मतलब कहने के लिए नेक इंसान थे 75 ईयर्स के, उन्होंने कहा था मीरा दादर में जब वो ठीक कर दी थी दादर, अब उन्हें मेरे को आज तक तो ठीक नहीं कर पाया, लेकिन काफी इलाज किया है। गंदे हरकतें होते हैं, मतलब गंदा काम। इसका क्या है कि ये एक तो नॉर्मल वे से रहता ही नहीं है, नहाता भी है तो आप दस दस दिन में नहाता है, इसको हाजरी आती है डेली, साबुन से हाथ धो, हाथ धोता है, मतलब 8-8 घंटे तक बाथरूम में हाथ धो रहता है। जो भी है एक बात, जब मैं दातार में गया ना 2014 से मेरे को साबुन पानी की हाजिरी थी, उसके पे जो जो भी होते हैं जिन खबी छोड़ेल दाकन ये मेली चौपड़ी सब चीजें निकालती, एक जाती है दूसरी निकालते, मतलब क्या डाला है कि मैं ठीक नहीं कर पाया। मेरे पापा को अच्छा को मैंने कहा था, वो उनकी भी तबीयत खराब रहती, उनको प्रोस्टेट कैंसर निकाल दिया, उससे पहले इन भाई साहब को कैंसर निकाल दिया, और मम्मी की भी अचानक तबीयत खराब हुई, एम्स में एडमिट कराया तो मम्मी भी एक्सपायर हो गई, और जो जिन था जो खबीस था वो कहता मैं जो तेरा साथ देगा उन सबको मार दूंगा, दो को तो मार दिया, और मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया। फिर आपकी वीडियो देखे तो आपको मैं मुझे लगा कि आपके पास एक बार आना चाहिए, फिर मैं आया हूँ। तो वीडियो देगा तो क्या बोला, वो इनको भी मार दूंगा? नहीं, हाँ वो कहता है कि मैं तेरे को तू जहाँ इलाज कराने जाएगा ना मैं जाने ही नहीं दूंगा। रात को 12 बजे निकले, फिर मतलब जहाँ जाना होता है ना तो पूरी रात कदल की रात की तरह जगना पड़ता है, कहीं जाने ही नहीं देता है। तो गुरु जी बड़ा मुश्किल से हम लोग निकले हैं, हम बड़े मुश्किल से निकले हैं, उसको रात को 12 बजे में लेके आया हूँ, और इसका तकलीफ है डे टू डे, ये मतलब परेशान रहता है, पूरी रात सोता ही नहीं, 20 साल से तो ये सोए ही नहीं कभी रात को, खाना पीना भी कोई तरीका नहीं है। आप उसे बोला एक बार बोला और बोल मार इनको, मतलब मेरे को क्या चीज है जो वो क्लियर नहीं होती है मेरे को। एक तो पहले तो मेरे ये मेली जाफड़ी और ये जो भी जो दौड़ाते हैं ना, ये घोड़े दौड़ाते हैं, इसके अंदर सब चीजें ना, मेरी नौ शादी होने थी, उन्होंने ये बता दिया था दरगाह में ना इसका शादी होने देंगे, 7 तरह से धंधा बांध दिए, ना नौकरी कर पाए ना धंधा कर पाए। मैं MBA पढ़ा हुआ फर्स्ट क्लास, अभी मैं कमाऊँ तो आज मेरे को 14 साल हो गए होते। 2006 में मैंने पढ़ा MBA किया था, पढ़ाई भी मैंने संघर्ष में की है, मेरे साथ वाले सब सेटल हो गए, वो कहते हैं मेरे पापा को सबसे पहले तेरे लड़के को मारेंगे। अभी तू जब से आया क्या हुआ तेरे साथ में, ये बता, बैठा है अभी कैसा लग रहा है ये बता। अभी मेरी ये जो कमर है यहाँ से के घुटने तक ये जाम कर रखी है, बहुत सा रिलैक्स हुआ, बाकी तो मेरे को बैठा नहीं, मैं पालती मार के तो 10 साल हो गए बैठ ही नहीं पाता हूँ, नहीं बैठी पा रहा। हाँ 10 साल से पालती मार के बैठ नहीं पा, 10 साल से 2010 से तो मैं रात को सो नहीं पाता, मेरी मम्मी सो पाती थी ना मैं सो पाता हूँ, सुबह 5:30-6 बजे नींद आती है, ये अंदर का तालवा दुखता है, और हाजरी है वो मीरा दातार की हाजरी आती है, वो लेते हैं हाजरी, और उन्होंने साबुन पानी की ऐसी हाजरी दी है, संडास जाओ जब बाथरूम जाओ चाहे नाओ, तो उन्होंने दाल रख दी है। वो कहते हैं कि वो पुराने खादिमों से पूछा कि जो तुम्हारी जो जिन खबी से वो जाते नहीं है, इसलिए बापू ने तुम्हारे अंदर वाले बलाओं को हाजरी दी, और जिसकी बॉडी में होता है ना उसी को हाजरी आती है। सब टूट के निकलेंगे बाहर, एक लाउंज है। मैं काफी को दूंगा भाई गुरु जी, मेरे को पता है 86 से तकलीफ है, और 98 में भैया की शादी में उस पर्सन ने दोबारा किया, 2001 में तिवारा किया ना, मेरे को शादी करने दी ना कमाने दिया ना धंधा करने दिया, बस पापा की पेंशन से खाता था, और पापा ये एक्सपायर कर दिया, मम्मी एक्सपायर हो गई, और ये सब घर वाले मेरे को कहते हैं तू पागल है। अब मैं पागल हूँ या मैं इनको सबको समझा सकता हूँ, मेरी वहाँ दरगाह में खादिम कह रहा था, आगे
खबीज बताता है। हाँ, खबीज जीन खबीज दोनों का एलम पड़ रहा है। वो सबके बाप गए हुए यहाँ पे, मुस्लिम ने कर रखा है वो भी रखा है। मुस्लिम तंत्र, मुस्लिम के सबसे बड़े खादिम गए हुए। चलो 86 से मेरे पापा को बताया था। अरे जो पेट में गया उससे फैसला करने दो उसे। तुम बाबा मुझे निकाल नहीं पाओगे, मैं इसकी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से से तीन मुड़ के ऊपर बैठा हूँ। हयोम हयोम तुम्हारे खादिम है ना, हयोम तुम्हारे ऊपर है, अभी लड़ उसे। सैयद सैयद मैं मक्का के हयोम है, ये हयोम कयोम लगेगा। बैठो बैठ जाओ सब लोग, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो सब लोग। क्यों इतना परेशान कर रहे तो? मुझको तो डाला था मसंगण से बुला के, इसके बाप के ऊपर भिजवाया था, इसके पिता के साथ वाले काम करने वाले इंसान ने। अब तू क्या करेगा? मैंने इसकी माँ को तो मार दिया बीमार करके, फिर इस लड़के को मार के रहूंगा। इसके घर के 6 लोगों को मारना है, 4 बच्चे। हयोम जी जाओ अंदर, हयोम जी। इसके पिता को भी कैंसर इलम से किया था, मुस्लिम इलम से। इसका पिता बीमार होके मरा है। मुस्लिम इलम, अल्लाह को मानता है तू? हाँ हाँ। तो ऐसे खिलौने कार्य क्यों करता तू? मुझे इसके परिवार को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए उस तांत्रिक इकबाल अली ने हाँ भेजा था। इकबाल अली का 2 सेकंड में तंत्र गायब हो जाएंगे बेटा। इकबाल अली को तो सैयद अली ने मार दिया। सैयद को पूछ ले, मेरा नाम बता देगा। सैयद को बुला देता हूँ, बात ही कर ले तू। तू आ गया है ना, बात कर सैयद से। हे माता, भेजो सैयद को, भेजो सैयद आइए। ओ माय भरीम गुम चामंडा आए पीछे, ओ माय भरीम गुम चामंडा आए पीछे, ओ माय भरीम गुम चामंडा आए पीछे, आइए सैयद जी बात कर। बोल सैयद खड़ा इधर। नहीं करूंगा उससे बात। क्यों नहीं करेगा? वो मेरे को बांध के लेके आया इसके शरीर में। बंधन तोड़ रहा हूं तेरा। हयोम जी उड़ाइए चारों तरफ से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह खत्म कराओ इसे। हम अगर खोल दिया तो मैं इसको मार दूंगा कहीं से भी, फांसी लगा के। तू यहां से निकलेगा तब तो पहाड़ी पे देख ले, तेरा बाप खड़ा होता देख पहाड़ी पे, देख ले गांड में ऐसा उंगली डालेगा ना साले मुंह से निकाल देगा तुझे। बहरा हुआ है, एक और है देख ले, एक और देख, मुंह खोलेगा तो तेरा पता ही नहीं चलेगा तू कहां गया। तू एक ही है। हाँ एक ही है, सामने आओ भैया। वो बोल रहे कि अब तुझे खा जाऊंगी छोड़ू, तू क्या चाहता है? मैं जाने वालों में से नहीं हूँ, मैं जवान दे के आया था। तेरे जुबान को क्लिक करो, मोहम्मद साहब चाहिए यहाँ पे। लोग कहते हैं दिनेश्वर महाराज किसी भी शक्ति को बुला लेता, चाहिए मोहम्मद साहब चाहिए? मैं जाने वाले में से नहीं हूँ। चाहिए यार, तू देख रहा है ना, बुलाओ मोहम्मद साहब को, उनको क्रॉस करेगा तो। मैं सैयद को, सैयद ने मेरे को बांध के 10 साल बांध के अब तक अब हाथ पहुंचा है मेरे उसका 1 साल में। चल मैं सैयद का पहले तंत्र ले लेता हूँ, उसके बाद तुझे ले लेता हूँ। चल हे माते, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह है अजमेर शरीफ बाबा, जाइए वहां पे है अलाउद्दीन अली अहमद जी। मेरे यार जाओ अलाउद्दीन अली अहमद आइए, इसके अंदर घुस के पहले इसे जो करना करो, ये जिसका नाम ले रहा उसे तंत्र को काटो, जाइए अलाउद्दीन अली अहमद। मीरा दातार के यहाँ जाता था मैं, ये बच्चे का बाप लेके जाता था मुझे। बाबा तुम निकाल नहीं पाओगे मेरी गादी, इसकी रीढ़ की हड्डी में बना रखी है, पूरा घर का बाप हूँ मैं इसका।
तो मेरे कब्जे में आ गया बेटा, तो तुम मेरे पास से नहीं निकलेगा। तुम तो शायद मुझे जानता नहीं, एक बार ढंग से देख ले, ढंग से देख ले। तुम्हारे पास काफी शक्तियां है, एक साथ खड़ी है। देख ले उसका, सब ले लिया तंत्र उसका। इकबाल का ले लिया तंत्र, जिसका नाम ले रहा था ना, सब ले लिया। उसे तो ये इलाज कराने ले जाता था उसका पिता मजार पे। तू जिसका नाम लेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। अब मजार की बात है, मजार के बाबा को बांधो तेरे मीरा दादर को, कभी ऐसा चैलेंज देता नहीं हो। मजार पे कोई जाना ही छोड़ देगा उधर, समझा? बानो बिठाऊ फिर भी को बिठाऊ, यहां से सिर्फ बोलूंगा मेरा दाता है ना, तो गांड में घुस जाएगा, तो समझा? मुझे इसमें से निकाल के दिखा दे तो मानू मैं। अब बेटा तुझे इसके अंदर से भी निकालूंगा और तेरे दरबार को भी बंद करूंगा मैं। कमा पाएगा? हाँ, ना शादी कर पाया ना इसके माँ को मैंने मारा है, बीमार करके मारा है। अब तू निकलेगा? इसके बेटे मानते नहीं है, मेरे को कहते हैं इसके इस भाई को कहते हैं ये पागल है। ये पागल नहीं है, ये सबको पागल बना दे, वो इंसान है इतना तेज दिमाग का है। चल तेरे अंश को मैं घुसाता हूँ कहाँ, निपो दे बेटा। हे कामरो माते आए माते, छोटा हो बड़ा हो, गलती किया तो गलती किया, उसके लिए कोई माफी नहीं। आए निपो रखो इसे सर पे। हे चंद्रपाल, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खींच के लाइए क्षेत्रपाल भैया। हम बम बम भैरवाई शम क्षेत्रपाल आय नमा, बम बम भैरवाई शम क्षेत्रपाल आय नमा। ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर सब जगह से लॉक करे इसे। हे माँ कामरू को मुख्या माते आय माते। ओम 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 श्री कामरू को, श्री कामरू, श्री कामरू, श्री कामरू, श्री कामरू, श्री कामरू, श्री कामरू, श्री कामरू को मुख्या माता। नेकी करने वाले अच्छे होते हैं, अपने आप को दरबार का बहुत बड़ा शानशाह कहने वाला, इसके अंदर अहंकार है, अहंकार में चूर है, मारने की कोशिश करता है। इसके सारे बल तल को सारी चीजों को छीन कर लेके जाए माते, और इसे लेके जाए बंदी बना के, इसके अंदर पड़ा रहेगा उसे हम कराएंगे, उसे निकाल लेंगे पूरा खाली कर शरीर माते माते। हम 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 एक आंख और एक कान भी पकड़ रखा है मेरा। हो गया, ले ले माते, चारों तरफ, चारों तरफ निपु घुमाओ उसे शरीर के अंदर, चारों। ओम श्री काम नमो, श्री काम नमो, पूरे शरीर में ओम श्री काम नमो, 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 ओम श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, ओम श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, ओम श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, ओम श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, श्री काम नमो, ओम श्री हटा लो जर रखो पर, ओम श्री काम नमो। अभी जो आवाज थी वो आवाज नहीं आया, मतलब कहने के लिए जो गुर्राहट थी ना वो नहीं महसूस हो रही है, और ये हाँ वो गुर्राहट जो आती अभी है और मेन है ना ये यहाँ बहुत है। चलो उतार कर, है क्षेत्र कहाँ ना, सर पे रखो गुरु जी, उतार कर अपने आप से। मेरा दातर, मेरा दातर, यहाँ दातर नहीं चलेगा, माता का दरबार है, यहाँ माता ही चलेगी। जाओ वहाँ पैर पर रखो, नीचे दबा दो से बन जाएगा, जाओ राइट पैर से, हाँ जाओ, जा फिर हो गया तो।